हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर कोमल कुंवर और मैं हूँ डेंटल सर्जन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अक्कल के दांत के रिलेटेड फ्यू कॉमन क्वेश्चंस जो पेशेंट्स हमें फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर अस्मिता मुनडकर, जो है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, जो विजडम टूथ निकालने में एक्सपर्ट है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, हेलो कुंवर। तो मैम, सबसे पहले तो विजडम टूथ यानी वो क्या होता है और वो फ्रिक्वेंटली क्यों निकाला जाता है? अच्छा, अभी विजडम टूथ, पहले तो ये सोचना है कि विजडम टूथ कोई ऐसे अलग से टूथ नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे मुंह में मोलर्स रहते हैं, वैसे ही एक जो लास्ट मोलर्स है, जो थर्ड मोलर्स जिसको बोलते हैं, उसको विजडम टूथ बोलते हैं। अभी हाँ, उसका सर्जरी इतना फ्रिक्वेंटली क्यों होता है, तो ये है कि उसकी वजह से टोटल तीन डिफरेंट और कई ज़्यादा रीजन्स हैं। बट मेन रीजन्स ये है कि एक तो अगर हम देखें इवोल्यूशन या ऐसे उत्क्रांतिवाद देखें, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे एंसेस्टर जो रहे हैं उसके जो साइज बहुत बड़ी रही है। जैसे जैसे ऐसे जनरेशन आगे बढ़ती जाती है, जो साइज कम होती जाती है, और ये टूथ है जो लास्ट मुंह में आता है, तो उसकी उसके लिए कभी कभी मुंह में जगह नहीं बचती है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड ये है कि जीनेटिक्स को देखें, जैसे कि पेरेंट्स के जो साइज और टूथ साइज में वेरिएशंस रहता है, काफ़ी के पेरेंट्स के पापा का साइज बड़ा होता है, मम्मी के जो टीथ का साइज छोटा होता है, तो उस वेरिएशंस की वजह से कभी कभी जो थर्ड मोलर्स होते हैं उसके लिए बोन में कुछ जगह नहीं बचती है। तो ये सेकंड रीज़न है। और तीसरा रीज़न ये है कि अगर लोअर जो है, यानी कि जिसको नीचे का जड़वा बोलते हैं, अगर वो मैच्योर हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, तो जो लास्ट टूथ है वो ऊपर आ नहीं पाता है। तो ये तीन मेन रीजंस है जिसकी वजह से विजडम टूथ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और उसका सर्जरी करना जरूरी बन जाता है। ओके मैम, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ये अक्कल दांत निकालने का एडवाइस करते हैं? वैसे अक्कल दांत, जैसे कि पेशेंट सिम्टोमेटिक बनता है जिसको बोलते हैं, अभी क्या है कि वो दांत है वो हड्डी में फंसी है, राइट। अभी वहाँ के ऊपर की स्किन होती है उसमें वो इन्फ्लामेशन कर जाती है, जैसे कि म्यूकोजा बोलते हैं उसको, उसको इन्फ्लामेशन कर जाती है, खाना फंसता है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, पेशेंट को पेन होता है, स्वेलिंग्स रहता है। इसके अलावा भी जैसे कि पेशेंट को ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवानी है, उसको सारे टीथ अलाइनमेंट और हारमोनी में चाहिए, तो अभी जो थर्ड मोलर जो इररेगुलर सा है उसको हम निकाल देते हैं। और उसके अलावा जो काफ़ी पेशेंट्स में ना वो क्राउडिंग करता है, मतलब ऐसे पीछे से प्रेशर डालता है, तो आगे के टीथ एकदम पास पास आ जाते हैं, तो इन सब केसेस पे उसको रिमूव करना पड़ता है। ओके, और ऐसी कोई कंडीशंस हैं मैम जिसमें हम एडवाइस करते हैं कि नहीं, हम इस दांत को रख सकते हैं या तो फिर अंडर ऑब्जर्वेशन हम रखेंगे? जैसे कि अभी हम दांत उसका एक्सरे निकालते हैं, तो जैसे कि हड्डी में इतनी जगह है कि थर्ड मोलर्स ऊपर आ सके, तो उन केस में हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं कि वो अपनी पोजीशन में आ जाए। दूसरा ये होता है कि काफ़ी सारे पेशेंट्स की अगर कुछ मेडिकल कंडीशंस ठीक नहीं है, उसको कोई और सिस्टमिक डिसीजेज है, तो उन सब केस में हम उसको निकालना उस टाइम पे अवॉइड करते हैं या तो ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। मैम, ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए बिफोर सर्जरी, ड्यूरिंग सर्जरी एंड आफ्टर सर्जरी? अच्छा, देखो पहले तो हम ये बता दें, ये सर्जरी कोई इतना मेजर सर्जरी नहीं है, तो ये बहुत रूटीनली होता है और ये लोकल एनेस्थीसिया में होता है, यानी उसी एरिया को थोड़ा सा नम करके निकाला जाता है। लोग उसको बहुत बड़ा चढ़ा के मानते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट ये है कि कोई भी सर्जरी से पहले जो प्रिकॉशन लेना होता है, पेशेंट को अच्छे से खा के पी के आना है, रेस्ट करना है, अगर उसको कोई दवाई की एलर्जीज है तो पहले से ही बता के रखना है, ये सब छोटी छोटी बातें जैसे कि अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना है, और बस ये सब चीज़ें दिमाग में रखना है सर्जरी से पहले। और सर्जरी का प्रोसीजर ये रहता है कि यूजुअली हम थोड़ा सा, क्योंकि जो अक्कल दांत है वो हड्डी में है, तो थोड़ा सा हड्डी को, सराउंडिंग हड्डी को कट करते हैं और थोड़ा सा टीथ को कट करते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव क्या रहता है, सर्जरी के बाद थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है, थोड़ा सा उसको कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है, तो उसके लिए हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो उसको फॉलो करनी पड़ती है। और मैम बताइए, इस सर्जिकल प्रोसीजर में कितना टाइम लगता है? देखो, अभी ये क्वेश्चन तो ऐसे बहुत बहुत लोग ऐसे पूछा करते हैं कि ये डॉक्टर को इतना टाइम लगा, ये डॉक्टर को इतना टाइम लगा, तो
आइडियल ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स लगता है, पर ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि एक डॉक्टर को इतना टाइम लगा। डेफिनेटली एक्सपर्टीज पर डिपेंड करता है, बट हर टूथ टू केस टू केस डिफरेंट चीज़ें होती है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस भी डिफरेंट रहते हैं, तो उस हिसाब से कहीं में आधा घंटा लगता है, कहीं में और एक घंटा लग गया, तो जस्ट बिकॉज जब तक कि पेशेंट को इतना पेन नहीं होता है, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, दे हैव टू कीप सम पेशेंस, ठीक है, और अगर पेन होता है तो दे हैव टू आस्क डॉक्टर की पेन हो रहा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट इंजेक्शन कैन बी गिवन और द एनेस्थीसिया कैन बी गिवन। ओके, और मैम आफ्टर सर्जरी आप क्या इंस्ट्रक्शंस देते हो पेशेंट्स को? आफ्टर सर्जरी ये ध्यान में रखना है कि खून स्टॉप होना चाहिए, पहला तो ये है, तो उसके लिए हम जो कॉटन्स वगैरह देते हैं उसको बाइट करना है 1 घंटे तक, सो यूजुअली 1 घंटे तक वो खून क्लॉट होने में उतना, प्राइमरी क्लॉट होने में उतना टाइम लेता है, तो 1-1.5 घंटे तक बाइट करके रहना है। उसके अलावा दूसरा ये होता है कि कुछ भी चीज़ें बाहर थूकना नहीं है, जैसे कि थूकते हो तो मुँह में प्रेशर लगता है, नेगेटिव प्रेशर आता है, राइट, सो उससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा जितना मेडिकामेंट्स वगैरह दिया जाए वो सब उसको फॉलो करना रहता है, और जैसे कि हमने पहले ऑलरेडी बताया कि कुछ स्मोकिंग और अल्कोहल वगैरह रहते हैं, तो वो सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। आप ये इमीडिएटली आइस पैक एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि आइस पैक से ये रहता है कि वो एरिया का जो सूजन होता है इमीडिएटली वो थोड़ा कम होता है। ओके, और मैम आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो पेशेंट्स को, तो वो लेना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? देखो अभी अब 2-3 मंथ किया है, तो उसके साथ साथ कभी कभी एज आई सेड कि हम हड्डी भी थोड़ा काट दें, तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर ऐसा है कि जो सूजन दे सकता है, पोस्ट ऑपरेटिवली थोड़ा सा इन्फेक्शन भी कर सकता है, तो ये है कि अगर एंटीबायोटिक्स और जो दवाइयाँ ली है उसकी वजह से उसको पोस्ट ऑपरेटिव में कभी कुछ इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या इतने चीज़ें होती तो है बट कम मात्रा में होती है, और एटलीस्ट 3-4 दिन की दवाइयाँ दी जाती है सर्जरी के बाद कि वो कंटिन्यू करना है, और पेन आई थिंक सो उसको कम से कम 10-15 दिन तक माइनर सा पेन रहता है। और मैम सर्जरी के बाद हम टाके लगाते हैं तो कितने दिनों में निकाल सकते हैं? जैसे स्टिचेस लगाए हैं तो काफ़ी बार रिजॉर्बेबल होते हैं, जो खुद से ही निकल जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसको निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी डॉक्टर जो है वो अनरिजॉर्बेबल स्टिचेस लगाते हैं जिसको 1 हफ्ते के बाद आके रिमूव करना होता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, और कोई डाउट्स है आपको और कोई और क्वेश्चंस पूछना है रिलेटेड टू विजडम टू, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।